हमारी यहाँ पे अर्टिगा खड़ी हुई है और सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी फिलहाल में पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, सुबह केसरी। विमल बोलो सुबह केसरी। किधर जा रहे हो भाई साहब? कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आधे रास्ते और ये पहली ट्रिप है हम लोग का। हम लोग की दूसरी है, हम चंदन की। चल ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। जाने का यहाँ पे? हाँ, जुनो शंकर जाने का। सही है। और गन्ना कितना अच्छा लगा हुआ है। लाल वाला तो नहीं है, पर एक उधर अंदर देख रहा है लाल वाला। तो जैसा बता दें आपको कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो भीमाशंकर, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो आप यहाँ आने के लिए आपको बता देते हैं, कहीं से भी आप ट्रेन पकड़िए और सीधे आ जाइए महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन पे। पुणे स्टेशन पे आने के बाद आप निकल जाइए वाजी बस स्टैंड। बस स्टैंड से आपको हर एक घंटे में एक बस मिल जाएगी और आपको यहाँ से एसी और नॉन एसी दोनों बस मिल जाएंगी। पुणे स्टेशन से करीब 110 किलोमीटर दूर दूरी पर है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप जितना अगर मॉर्निंग में हो सके उतना मॉर्निंग में आप यहाँ पहुँच जाएंगे, तो अच्छे से दर्शन भी हो जाएगा और अच्छे से आप रिटर्न भी अगर जाना चाहते हो रिटर्न भी जा सकते हैं। नहीं तो आप अगर स्टे करना चाहते हो तो आप स्टे भी कर सकते हैं। दिवाली के 5 दिन की छुट्टी होने के कारण हम लोग सोचते हैं चलो कम से कम भीमाशंकर ही घूम आते हैं। अगर ये नॉर्मल डे है, अगर ऐसी आपको ट्रैफिक नहीं दिख रही है, अगर आप यही सावन के महीने में आते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा रश देखने के लिए मिलता है। करीब यहाँ पे तो दो दो तो तीन तीन दिन बाद जाके दर्शन होता है, ऐसा सावन के महीने में चलता है। बट अभी नॉर्मल डे चल रहा है तो चले देखते हैं अगर हम लोग का भी कितना टाइम लगता है और कितना समय लग जाता है रिटर्न जाने में। वहीं जैसे हम लोग की दिवाली की छुट्टी है और भी सभी लोग की छुट्टी है, तो सभी लोग भी पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। ट्रैफिक होने की वजह से हम लोग को ऐसे ही जाना पड़ रहा है। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, तो हम लोग की जो कार है उधर कार पार्किंग हो गई दूर ही, और बाकी यहाँ से उतर के हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर। शायद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये रहा पार्किंग, तो हमारा जो पार्किंग ट्रैफिक की वजह से उधर ही पार्क करना पड़ा 2 किलोमीटर दूर पहले ही। हम ठहरे भाई साहब ब्लॉगर और हमारे दोस्त बिना ब्लॉगिंग के सबसे पहले पहले जा रहे हैं और सबसे आगे हैं। काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है जो यहाँ पे आने के बाद। अभी तो कुछ बोर हो रहे थे और सुबह से आपको बता दें सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, ये सोचे हैं पहले दर्शन हो जाता है उसके बाद फिर कुछ खाते पीते हैं। तो चलिए देखते हैं दर्शन पहले होता है या थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही लग रही है और सबकी छुट्टी है तो काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो आपको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है, यहाँ पर प्रसाद जैसे मिठाई यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 100 से लेके 120 140 तक मिल जाएगा आपको खाने के लिए। तो हम लोग आ गए भीमाशंकर जैसा देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रसाद फूल लेते हैं, और जैसे देख सकते हैं पता नहीं आगे कितनी लंबी लाइन है, पर सामने जितना दिख रहा है देखने के हिसाब से लग रहा है कि 1 किलोमीटर दूर की लंबी लाइन लगी हुई है।
हमें ये नहीं पता कि आए दिन इतनी भीड़ होती है या नहीं, बट आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस भीड़ का कारण जो है VIP पास। मेरा रिक्वेस्ट है हर मंदिर के ट्रस्ट और मैनेजमेंट टीम से कि आप जो ये VIP पास लगाते हैं 300 रुपया 1000 रुपया पर पर्सन, वो पास सिर्फ कर दीजिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं या 60 से 70 साल के उम्र वाले लोग हैं उनके लिए VIP पास करिए, वो भी फ्री। बाकी सबके लिए एक समान कर दीजिए, जितने युवक और या फिर जितने यंग लोग हैं उन लोग के लिए एक लाइन कर दीजिए, तो उसमें से किसी को विदाउट एंट्री मत दीजिए, भले ही वो कितना पावरफुल या भले ही कितना अमीर इंसान क्यों ना हो, क्योंकि ये मंदिर है, मंदिर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, भगवान सबके लिए एक है। और वहीं हम लोग लगे थे सुबह मॉर्निंग में लाइन में 10 बजे और अभी बज रहे हैं 2:40, अभी भी आधे घंटे लगने वाले हैं हम लोग को, तो करीब हम लोग को पूरा टोटल लग रहा है 4 बज जाएगा। तो आप सोच सकते हैं 10 बजे से करीब तीन से चार घंटे लाइन में लग कर हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग को तो छोड़िए, बात हम लोग की अलग है, हम लोग यंग हैं, युवा हैं, बट हम लोग के साथ पीछे लाइन में लगे दादी और दादा भी थे जो ऐसे 60 से 70 साल के उम्र के थे, फिर भी वो लोग लाइन में लग कर यहाँ तक आए हैं। ये सब चीज़ें देख के बहुत थोड़ा कष्ट होता है दिल को कि मतलब आप VIP जो भी ट्रस्ट वाले हैं या फिर जो भी मैनेजमेंट टीम है यहाँ के, तो वो VIP पास बस 60 से 70 वालों को बुज़ुर्ग लोगों के लिए अलाउ करिए और बाकी जितने हैं सबके लिए एक समान करिए। तो फाइनली शिव जी का दर्शन होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर की तरफ और यहाँ पे फोटो, अंदर फोटो और वीडियो अलाउ नहीं था, इस वजह से हम फोटो वीडियो नहीं ले पाए। और ये बाहर का कुछ सीन देख सकते हैं और ये मंदिर जो बना है काला पत्थर से बना है, और ये मंदिर की बात कर लें तो ये नागर शैली में बना है। और आप ज़्यादा क्राउड है और हम लोग जब भी आते हैं साला ऐसे क्राउड मिलता है, सीढ़ी गए थे तो भी ऐसे क्राउड मिला था, और यहाँ पे आया तो इतना क्राउड होता नहीं है, बट इतना क्राउड आज भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉल वाले हर जगह मिल जाएंगे और हम अपना शूज़ यही भूल गए थे, पता नहीं एक जगह निकाले थे सब सेम दिख रहा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो बाद अभी हम निकल चुके हैं खाना पीना खा के कहीं और नेक्स्ट लोकेशन पे। सो तो गाइस जैसा देख सकते कुछ दिन पहले आया था और ये बोल रहा है कि फ्री एंट्री होती है, और ये भाई साहब बोल रहे हैं हमारे कि फ्री एंट्री नहीं होती है, और ये भाई साहब हैं बोल रहे 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोग 8 लोग 9 लोग हैं, ये बोल रहे हैं भाई साहब कहे हैं नागफनी पॉइंट की तरफ हौले हौले कदमों से। अरे हाँ यार पूरा रास्ता बना हुआ है भाई, कौन जा, चलो ये इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कौन उधर जाता है। धूप हो रखी है, धूप लग रही है, पर घूमने का जुनून इतना है कि हम लोग को धूप भी नहीं एहसास हो रहा है। और ये क्या भाई साहब, पत्थर के ऊपर पत्थर कौन रख के गया है। और यहाँ पे नज़ारा जो आप देख सकते हैं मानसून के टाइम बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिलता, बट ये टाइम है नवंबर। ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं और आगे चल के पूछते हैं किसी पॉइंट पर रुककर ट्रैकिंग करने में कितना मज़ा आ रहा है। हालांकि ट्रैकिंग थोड़ी सी नॉर्मल है, उतनी ख़तरनाक नहीं है। हम भी जा रहे हैं डालने, एक रुपया भाई, ये पे भाई ये पेड़ का क्या है, 6 का सिक्का कहाँ देख लिया तुम भाई, निकाल के भाई कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बहुत है। अरे यहाँ नहीं मांगा जाता है, कौन इतना अद्भुत काम किया है भाई, वही कह रहा है कौन आविष्कारक है इसका यहाँ पे। हाँ जो लोग कहते हैं पेड़ पैसे पे नहीं उगता है, तो आप देख सकते हैं रियल लाइफ में पेड़ पैसे पे उगा हुआ है और क्वाइन है, और यहाँ पे भाई साहब ये उगा रहे हैं जैसा, हाँ ये उगा दिए भाई साहब, और ये इसको बोलते हैं मनी प्लांट हैं। तो आप ट्रैकिंग करना है तो आप यहाँ आने से पहले आप
कपड़ा चेंज करके आइए, जींस नहीं अलाउड, चल पाएंगे ना ही कोई फॉर्मल पैंट हम लोग की तरह। हे भाई कोई गिरना मत, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ता जा किधर रहा है कुछ पता नहीं है, ये हाल है देख सकते हैं। ऐसे चल के ऊपर और ये ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा। ओ तेरी की, ब्लॉगिंग के चक्कर में कहीं हम गिर न जाएं। भाई रास्ता किधर से, सो तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे खड़े पहाड़ को ऐसे चीरते हुए और अपने होले होले कदमों से इस तरह आगे ऊपर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही इजी रास्ता भाई, कौन सा कंप्रोमाइज़ तुम कर रहे हो भाई, हमेशा जब देखो तो ये बंदा हमेशा हर जगह कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो देखते हैं ये रास्ता हम लोगों को कहाँ लेके जाता है, किस पॉइंट तक। फाइनली इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए पहुंचते हैं हम ये दृश्य और ये व्यू देखने के लिए, ये है नागनी पॉइंट। तो यहाँ पे सभी लोग ब्लॉगर हैं जैसा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और जैसा देख सकते हैं नीचे का सीन है। नाम है नागफनी पॉइंट और वहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। ये देखिए मेरे दोस्त लोग हैं,